नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति सिंह। ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरों पर डालते हैं एक नजर। झरिया कोयलांचल में लगातार हो रही बारिश ने अग्नि प्रभावित व भूधसान क्षेत्र में रह रहे लोगों का जीना कर दिया है मुहाल। गुरुवार और शुक्रवार को हुई तेज बारिश के कारण जोरापोकर थाना क्षेत्र के बरारी बाजार धौड़ा के रहने वाले हसन आलम का घर हो गया ध्वस्त। इस घटना में लोग बचे बाल बाल। घर के मालिक के अनुसार लाखों की संपत्ति का हो गया नुकसान। पूरा सामान मलबे में दब चुका है। घर ध्वस्त हो जाने के बाद पूरा परिवार बेघर हो गया है। हसन आलम ने केसीएन टीवी चैनल को बताया कि खाना खाने के बाद जैसे ही पूरा परिवार घर से बाहर निकले, जोरदार आवाज़ के साथ घर की दीवार गिर गई। पीड़ित हसन का कहना है कि बीसीएल ने इस पूरे इलाके को खतरनाक बताते हुए खाली करने का निर्देश जारी किया है, लेकिन बीसीएल प्रबंधन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। जगह खाली होने की चिंता के कारण घर की मरम्मति नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई बड़ा हादसा इस क्षेत्र में होता है तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेवार होगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में घर की स्थिति। बारिश के कारण घर हो गया है ध्वस्त, काफ़ी विकराल स्थिति, और आसपास के लोगों में भी मचा हुआ है हड़कंप। मीडियाकर्मी जैसे ही बरारी पहुंचे, समाचार कवरेज करने लोगों की लग गई भीड़। आप देख सकते हैं घर के लोग स्थिति को दिखा रहे हैं मीडियाकर्मियों को। आप देख सकते हैं केसीएन टीवी चैनल के कैमरे से भयावह स्थिति। शिशिर कुमार मिश्रा के साथ लोगों में मचा हुआ है दहशत, भय का है वातावरण। परंतु आश्चर्य की बात है कि घंटों बीत जाने के बाद भी अभी तक न ही कोई बीसीएल के अधिकारी और न ही प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ है दौरा। अब आपको सुनाते हैं गृह स्वामी ने क्या कहा। आइए इस विकराल स्थिति पर करते हैं गृह स्वामी हसन आलम से बात। दो तीन दिन से बारिश हो रहा था। बारिश होने की वजह से जो है दीवार डैमेज हो गया है और उसकी वजह से जो है पूरे दीवार गिर गया है और हम लोग पूरे परिवार इसी घर में रह रहे थे। थोड़ी देर पहले जो है खाना उना खा करके बच्चा लोग बाहर आया, उसके बाद ही दुर्घटना हुआ है। तो बीसीएल के कई बार सर्वे हुआ यहाँ पर, तो आप लोगों को विस्थापन नहीं किया गया? जाने नहीं देते हैं, कुछ वैसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। कोई ऐसा साहब इंक्वायरी के लिए आते हैं लेकिन कोई उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं। इस तो कभी आपने इस मुद्दे को लेकर कभी स्थानीय नेता का या फिर बीसीएल को इससे अवगत कराया है क्या? अवगत कराया गया है। इससे पहले भी मेरे घर का जो है दीवार गिरा था, उसमें भी लोग आए थे, मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन कोई इस तरह का उपचार नहीं हुआ है। क्या आप घर में रहते तो किसी तरह का हादसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। सामान का इतना नुकसान हो गया, मेरा कम से कम लाखों रुपये का सामान घर में पड़ा हुआ था, सारा चीज। कितने बजे की घटना है ये? करीब 2 बजे का घटना है। बीसीएल लोग असल में घर में कोई मौजूद था? घर में मौजूद था बच्चा लोग, लेकिन वो हमको आते ही हम सबको हटा चुके थे कि तुम लोग घर से बाहर निकलो, और हम उस घर के अंदर में थे और उसी दरमियान में जो है दीवार गिरा है। जिम्मेवार किसे मानते हैं? जिम्मेवार कौन है इसकी? जिम्मेवार इसका प्रबंधक, यहाँ का देख रेख जो है, यहाँ का जो प्रबंधक है बीसीसीएल का, वो इसका जिम्मेवार है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। कंपनी बार बार पेपर में सारे चीज में दे रहा है कि जो है
फायर ब्रिगेड एरिया को जल्दी से जल्दी खाली कराइए और खाली करके कहीं बढ़िया जगह पे शिफ्ट कराइए। हर रोज जेडा कंपनी की तरफ से जो है ऐसा इस तरह का बात आता है पेपर में। तो कहीं आप लोगों को विस्थापन नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ MB हसन। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर आएंगे नई ताजा तरीन और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। तब तक के लिए KCN TV चैनल के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।